हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू और पालक की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। एकदम जल्दी से ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसे आप रोटी, पराठे और गर्मा गर्म पूड़ी के साथ एंजॉय करिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस सब्ज़ी को बनाएंगे हम सरसों के तेल में। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल लिया है। सरसों तेल में ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप चाहें तो रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल को गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू। आलू मैंने मीडियम साइज़ के यूज़ किए हैं, जिसे 4 फाक में इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म तेल में हम पहले आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम आलू डाल लेते हैं और तेज़ आँच में पहले आलू को 1 मिनट तक भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को 1 मिनट तक बढ़िया से भून लिया है। उसके बाद इसे ढक्कन लगा देंगे हम और 1 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके हम इसे 1 मिनट तक कुक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे आलू जो हैं वो बढ़िया से भुन गए हैं, एकदम करारे हो गए हैं। और यहाँ पर आलू हमारे 40-50% तक लगभग गल चुके हैं। आलू को इस तरीके से भून के सब्ज़ी में यूज़ करने से सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे आलू हमारे एकदम कुरकुरे हो गए हैं और लगभग 40-50% तक गल चुके हैं। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। अब बनाते हैं अपनी सब्ज़ी को। तो उसी तेल में मैंने डाला है 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग डाली है। जीरा हमारा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा हम इसमें डालेंगे कटी हुई अदरक, कटा हुआ लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 1-1 चम्मच कटी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इन तीनों को हम बढ़िया से गर्मा गर्म तेल में भून लेते हैं। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बढ़िया से तेल में भून लेने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े प्याज का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने इस तरीके से महीन टुकड़ों में कट कर लिया है। तो प्याज डालने के बाद हम प्याज को भी तेल में अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस गुलाबी कलर आने तक हम इसे बढ़िया से भून लेंगे। यहाँ प्याज हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ किए हैं, जिसे मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो यहाँ पे हम टमाटर को थोड़ा सा गला लेंगे। टमाटर को जल्दी गलाने के लिए हम इसमें इसी समय नमक डाल देंगे। तो स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और टमाटर को गलने देते हैं। यहाँ पे हमारे टमाटर लगभग सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए डाल देते हैं अपने सारे मसाले। यहाँ पे लिया है मैंने 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच से भी कम यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है। इन सबको डाल के हम बढ़िया से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और मसालों को तेल के साथ भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके हम बढ़िया से ग्रेवी को 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, ताकि एकदम ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और हमारी ग्रेवी अच्छे से एकदम कुक हो जाए। यहाँ पे हमारी प्याज टमाटर की ग्रेवी बढ़िया से भुन गई है। चलिए अब डाल देते हैं इसमें अपने फ्राई किए हुए आलू और आलू डाल के बढ़िया से इसको ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसमें पालक डालने की। तो यहाँ पे मैंने 1 बंच पालक लिया है, जिसे बढ़िया से धो के मैंने उसकी डंडियाँ निकाल ली हैं और इस तरीके से बारीक टुकड़ों में बिल्कुल काट लिया है। तो यहाँ पे हम पालक को इसी तरीके से ग्रेवी के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सारे पालक को इस तरह से ग्रेवी के ऊपर डाल दिया है और अभी हम इसे बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, बस ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और आप देख सकते हैं पालक हमारे एकदम नीचे बैठ गए हैं, क्योंकि पालक में बहुत ही पानी होता है। तो इस तरीके से ये पालक जो है एकदम सौगी हो गए हैं। तो बस हम इस ग्रेवी में ही पालक को पकाएंगे। तो इसमें हम कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पालक में ऑलरेडी बहुत ही पानी होता है। तो बस इसको एक बार अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी में ऑलमोस्ट पानी दिख रहा है। तो इसी पानी के साथ हम पालक और आलू को पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम पे करते हैं और ढक्कन लगा देते हैं और बस 3 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। 3 मिनट के अंदर हमारे पालक और आलू एकदम अच्छे से गल जाएंगे।
तीन मिनट के बाद हम चेक करेंगे और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार है। हमारे पालक और आलू एकदम अच्छे से गल गए हैं और पानी भी हमारी सब्ज़ी का एकदम सोख हो गया है। तो चलिए अपने आलू को चेक करके दिखा देती हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आलू हमारे एकदम गल चुके हैं और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए हम लास्ट में इसमें डालेंगे आधा चम्मच अमचूर का पाउडर और आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। इसको बढ़िया से सब्ज़ी में मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पालक और आलू की सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार है। देखा आपने कितनी जल्दी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म आलू और पालक की स्वादिष्ट सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी इस तरीके से इस आलू और पालक की सब्ज़ी को बनाइए और कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसे आप गर्मा गर्म पराठे, पूड़ी या फिर रोटी के साथ एंजॉय करिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।